किसी ने बिल्कुल सही कहा, जब बात आती है देश सेवा की तो हर कोई सबसे पहले आगे आना चाहता है। और खास करके अगर हम बात करें, जब बात की जाती है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की, तो देश का हर युवा चाहता है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। तो हर किसी का सपना है कि इंडियन आर्मी में आके देश की सेवा की जाए। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से अभी आप सभी ने बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारी जगह न्यूज़ चैनल में भी आपने देखा होगा कि अभी आम सिटीजन के लिए भी 3 साल आर्मी में ज्वाइन करने का मौका होगा। तो इसी के बाद सभी में एक लहर दौड़ी है कि कैसे हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी, स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी। तो इस चीज को लेके काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है कि कोई भी आम सिटीजन इंडियन आर्मी 3 साल के लिए ज्वाइन कर सकता है अगर वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन कैसे ज्वाइन कर सकता है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में किसी के पास अभी कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन आप सभी को इस वीडियो में पूरे जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं कि आखिर क्या इस चीज की प्रोसीजर होने वाला है, कैसे इसमें कोई भर्ती हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को न्यूज़पेपर में ये क्लियर बताया गया है कि इसके लिए पहले 10 साल हुआ करता था, उससे काफी समय पहले 5 साल इसके लिए हुआ करता था समय सीमा जो तय थी, उसके बाद उसे 10 साल किया गया। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर इंटरेस्टेड है, अगर वो आकर्षित होता है आर्मी की तरफ, तो वो 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकता है और उसके बाद वो अन्य कैरियर की तरफ जा सकता है। इसमें आपको पेंशन वगैरह तो नहीं मिलेगी, लेकिन आर्मी की तरफ से काफी ऐसी फैसिलिटीज होंगी जो कि आपको दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि इसे कौन ज्वाइन कर सकता है और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा SSC, एक SSC होता है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एक आपका होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है वो इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, जिसमें क्या होता था, जो भी ऑफिसर रिटायर हो जाते थे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 10 साल के लिए दोबारा से इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया करते थे। इसी में कुछ सिविलियन लोगों के लिए भी हुआ करता था कि सिविलियन अगर कोई होता था, उसकी क्वालिफिकेशन होती थी, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन किया करता था। लेकिन अभी इसी में बदलाव करते हुए इसे किया जाएगा कि 10 साल की जगह आप 3 साल भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि हम दूसरी तरफ मुड़ जाएं, यानी किसी दूसरी चीज में वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो अब इसी के बारे में यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जब SSC की तरफ यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से जो भर्ती निकाली जाती थी और भर्ती किया जाता था, उसके लिए अधिकतर जो आपकी क्वालिफिकेशन की योग्यता मांगी जाती थी वो मांगी जाती थी ग्रेजुएट। तो यानी कम से कम स्नातक होना ही चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, हालांकि ये जो प्रोसीजर होगा वो आम सिटीजन के लिए होगा, लेकिन इसमें आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये जो वैकेंसी होंगी सिपाहियों के लिए ना होके ये आपकी ऑफिसर रैंक की वैकेंसी होने वाली है। क्योंकि हमेशा से SSC केवल आर्मी में जो ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है उन्हीं के लिए भर्ती कराता आ रहा है, और आगे भी जो 3 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन भर्ती कराएगा वो भी आपकी ऑफिसर रैंक पे रहने वाली है। क्योंकि ये चीज स्पष्ट कर दी गई है कि भारतीय सेना में ऑफिसरों की कमी है, ना कि सैनिकों की कमी। तो ऑफिसर की कमी के चलते वो 3 साल के लिए लोगों को मौका दिया जाएगा कि जो भी इसमें रुचि रखता है, जो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, वो SSC के थ्रू इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो SSC की क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए जो भर्ती निकाली जाती थी, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी रहने वाली हो सकता है। थोड़े बहुत उसमें उम्र वगैरह में बदलाव किए जाएं तो वो बहुत जल्दी आप सभी के सामने आ जाएंगी, लेकिन पूरा जो प्रोसीजर होने वाला है बिल्कुल शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह ही रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे 10वीं पास या 12वीं पास है तो आपके लिए यहाँ पे मौका शायद ना हो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपकी कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट हो, तो आपके पास यहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है इंडियन आर्मी को 3 साल ज्वाइन करने का शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। यहाँ पे आप एज एन ऑफिसर यहाँ पे सर्व कर सकते हैं अपने नेशन के लिए, तो एक अच्छा मौका है और एक
अगर मैं बात करूं, भारत सरकार का काफी अच्छा कदम है जिससे कि काफी लोग आकर्षित तो होंगे, और जो लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, एक ऐसा होता है कि हम किसी कल्चर में गए और वो हमें अच्छा लगा, डेफिनेटली हम उसी में रहना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम नहीं रहना चाहते, हमें सूटेबल नहीं करता। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो लोग इंडियन आर्मी की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता है फिर वहां से आना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी एक है ऐसी फोर्स कि एक बार जाने के बाद शायद किसी का दिल करे वहां से आने का, क्योंकि जो नेशन की सर तो हर कोई करता है, हर कोई देश सेवा कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, सब अपने अपने तरीके से देश की सेवा ही कर रहे हैं, जो भी करना चाहता है। लेकिन इंडियन आर्मी में आके एक जो देश की सेवा की जा सकती है, उसका जो आनंद है वो बिल्कुल ही अलग है। और मैं जानता हूँ जो भी करता है उसे रियलिटी पता होती है, जो नहीं कर रहा होता है उसे भी कहीं तक पता होती है, और वो भी जानना चाहता है और वो भी ज्वाइन करना चाहता है। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है, भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा यहाँ पे पहल है जिसके जरिए काफी लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जितनी बार चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं कि ग्रेजुएट लोगों के लिए ये होने वाली है, योग्यता की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। वहीं पे उम्र की बात करें तो कम से कम 21 साल आपकी उम्र मांगी जाएगी, उसके ऊपर ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी आपकी सोल्जर, ट्रेडमैन या क्लर्क जैसी कोई भी पोस्ट के लिए भर्ती नहीं होने वाली है, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। और इसका जो रिक्रूटमेंट होगा वो SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ही करवाया जाएगा, और उसी के थ्रू ही सारी वैकेंसी भरी जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपके डाउट इससे रिलेटेड थे वो सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करके लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।